दोस्तों देख सकते हो, यह है 60 70 80 90 के दशक के बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जितेंद्र कपूर का घर। देख सकते हो यह घर किसी राजा के महल से कम नहीं है। देख सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, वापस से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल इस वक्त मैं मुंबई के जुहू इलाके में गुलमोहर रोड में, और आज की इस वीडियो में आप सभी को बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जितेंद्र कपूर का घर दिखाने वाला हूं। तो बस आप लोग बने रहे वीडियो के लास्ट तक। घर की कितनी कीमत है, कब इन्होंने इस घर को लिया था, ये सभी बताऊंगा। तो बस बने रहे आप लोग वीडियो के लास्ट तक। तो गाइस फाइनली अभी आप लोग देख सकते हो, मैं हूं मुंबई के जुहू इलाके में गुलमोहर करास रोड 5 में, और यहीं पे है ये सामने वाला घर जितेंद्र कपूर का। इसी घर में जितेंद्र कपूर रहते हैं। यह घर किसी बंगले या फिर किसी राजा के महल से कम नहीं है। देख सकते हो यह है इस घर का मेन गेट। घर के मेन गेट पे देख सकते हो उनके सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं। देख सकते हो यह घर काफी आलीशान है। इस घर की कीमत ना गाइस लगभग 200 करोड़ रुपए है। देख सकते हो। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जितेंद्र कपूर का जन्म 7 अप्रैल 1942 को हुआ था। इनके पिता का नाम अमरनाथ कपूर है और इनके माता का नाम कृष्णा कपूर है। इनके पिता इमिटेशन ज्वेलरी का काम करते थे। जितेंद्र कपूर का जन्म भले ही पंजाब में हुआ है, लेकिन यह पले बड़े मुंबई में। गाइस आप सभी को बता दूं कि ये पंजाब के भले ही रहने वाले हैं, लेकिन इनका पूरा जीवन मुंबई में बीता है। ये उस समय का रामचंद्र नामक बिल्डिंग में एक मिडिल क्लास लोकेलिटी में रहते थे। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इनकी आज भी उस जगह से कई यादें जुड़ी हुई हैं। आज भी जितेंद्र कपूर हर वर्ष गणेश पूजा में उस जगह पे जाते हैं और अपनी बचपन की यादों को ताजा करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई अपने मित्र राजेश खन्ना के साथ सेंट सेबेस्टियन हाई स्कूल से गिरगांव मुंबई से कंप्लीट किया है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज से पूरी की है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि मात्र 17 वर्ष की उम्र में ही जितेंद्र कपूर ने 1959 में अपना फिल्मी करियर स्टार्ट कर दिया था। इसके साथ साथ उन्होंने अपना कॉलेज का पढ़ाई भी पूरी किया। ये बहुत बड़ी बात है। अभी मैं आप सभी को बताऊंगा कि इन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू कैसे किया था। ये कहानी काफ़ी दिलचस्प है, तो बस आप लोग बने रहें वीडियो के लास्ट तक। सारा चीज़ इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं इनके जीवन से रिलेटेड। गाइस आप सभी को बता दूं कि जब जितेंद्र कपूर ने अपने पिता के बिजनेस के चलते ज्वेलरी का सप्लाई करने फिल्म इंडस्ट्री गए, तो वहाँ इन्हें शांताराम के द्वारा पसंद किया गया और इनके लुक से आकर्षित होकर शांताराम ने अपनी फिल्म नौरंग के लिए कास्ट करने का फैसला किया। इस प्रकार इन्हें पहला मौका मात्र 17 वर्ष की उम्र में 1959 में मिला। हालांकि इस फिल्म से इनको ज़्यादा पहचान नहीं मिली, लेकिन शांताराम के द्वारा ही इनको 1964 में एक फिल्म मिला गीत गया पत्रों ने। परंतु इस फिल्म से भी इन्हें कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन इनको सबसे बड़ी सफलता उस वक्त मिला जब इनको 1967 में फिल्म फर्ज के लिए चुना गया। और इसी फिल्म के बाद शांताराम ने इनका नाम जितेंद्र रख दिया। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जितेंद्र कपूर का बचपन का नाम रवि कपूर था, जिसे शांताराम जब इनको फिल्म फर्ज के लिए चुना तो रवि कपूर से इनका नाम जितेंद्र कपूर रख दिया। देख सकते हो गाइस, यही है बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता, 60 70 80 90 के दशक के सुपर स्टार मेगा स्टार अभिनेता जितेंद्र कपूर का घर। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि 1967 में जो इन्होंने फिल्म किया फर्ज फिल्म के गाने मस्त बहारों का ये मौसम इनका सुपर हिट गाना था। इसमें इनके स्टेप्स लोगों ने बहुत ही पसंद किया, और साथ ही इस गाने में उनके द्वारा पहना गया टी शर्ट और सफ़ेद जूते का उनका ट्रेडमार्क बन गए। इसके बाद कारवा और हमजोली जैसी फिल्मों में जितेंद्र ने और गानों पे डांस किया, और इनके डांस के ही कारण इन्हें बॉलीवुड में जंपिंग जैक नाम दिया गया। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इन्होंने लगभग 200 हिंदी फिल्मों में काम किया है। इनके अलावा कुछ ही और कलाकार होंगे जिन्होंने उस समय इतनी संख्या में
फिल्मों में काम किया होगा। जितेंद्र ने हवाई गर्ल नाम से मशहूर श्रीदेवी और जया प्रदा के साथ कई फिल्मों में काम किया। इसके साथ ही की गई कुछ फिल्मों के नाम संजोग, औलाद, जस्टिस, चौधरी, मवाली, हिम्मत वाला, जानी दुश्मन, तोहफा आदि है। इसके अलावा इन्होंने साथ में कुछ तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। उस समय इनकी जोड़ी सुपरहिट जोड़ी थी। इसके अलावा इस समय जितेंद्र ने गुलजार साहब के साथ परिचय, किनारा और खुशबू फिल्म में काम किया। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इनके पत्नी का नाम शोभा कपूर है और शोभा कपूर से इनके एक लड़के हैं तुषार कपूर, जिनको आपने गोलमाल में देखा होगा, और इनकी एक बेटी है एकता कपूर, जो कि टेलीविजन धारावाहिक एवं फिल्म निर्माता हैं। इनकी एक प्रोडक्शन कंपनी भी है जिसका नाम बालाजी टेलीफिल्म्स है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि बालाजी टेलीफिल्म्स को इनकी बेटी एकता कपूर चलाती हैं, और यही इनके बेटे तुषार कपूर इन्हीं के तरह एक फिल्म अभिनेता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। जल्द मिलते हैं मुंबई के किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।